प्रदेश के मुखिया मंच से भाषण देते वक्त महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावों में दम भरते नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में ये दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ताजा मामला यूपी के कन्नौज का है, जहां कुछ दबंगों ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। वहीं जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। किशोरी को गंभीर अवस्था में तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस बात पर जब हमने पुलिस महकमे के आला अफसरों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। 28 तारीख की रात में एक बालिका है, उसको जो है तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। 21% बांध था उसमें, और उसकी माँ के द्वारा भर्ती कराया गया था। तो उसमें ये कहा गया था कि ये गैस से खाना बनाते समय जल गई है और मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती हूँ। तो इस कारण उसकी मेमो हम लोगों के पास नहीं पहुँची थी। जब इस घटना के बारे में हम लोगों को मीडिया और अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है तो इसमें जांच कराई गई। तो मौके की जांच से तो तरह तरह की बातें आ रही थी कि कोई चिराग गिरने से घटना घटी है, परंतु आज उस लड़की ने बोलना शुरू किया है और उसने बयान दिया है कि उसके गांव के ही हैं, पड़ोसी उसी समुदाय के हैं, ये शद्दाम और तकसीम नाम के दो लड़के हैं, उन लोगों ने उसको जलाया है। तो जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई है लड़की द्वारा खुद तत्काल इसमें 307, 354 IPC के तहत उन लोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है और अभी उसकी तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री के अगला दिन तो हम चिल्ला रहे थे उसे, तो इन लोग ने मेरा एक लोग सदाम लाला तहसील पकड़ के आग लगा तो हम जब उतर गए तो उन्होंने बच्चा था क्या? हाँ, पुलिस ने अड़काया था। क्यों? तुम ऐसे ऐसे कहो और फिर तुम्हारी रिपोर्टिंग बनाए और फिर उनकी पुलिस गई है और फिर उनकी अम्मा ने मुझे अड़काया कि तुम ऐसे ऐसे कह देना, मेरी अपी ने आग अपने आप लगाई कि ऐसे ऐसे कह देना कि मेरा लड़का पकड़े ना ही जाएंगे। अब उसने फिर उन्होंने कहा मैं अड़काया, फिर पुलिस ले गई और फिर छोड़ दी छोड़वा लिया चले पुलिस ने रिश्ते कर चल रहे। क्या है पूरा मामला आज तक? ये पूरा मामला जो है सर, फिर आ रही थी लेटरिंग में 8:30 का टाइम था, तो ये सद्दाम और कालिया जो था जो छिपे खड़े थे दीवार के पास आड़ करती है, तो इसको उन लोगों ने खींच लिया। जब खींचने के वजह से जो चिल्लानी है तो दबोच के इसके कपड़े जो थे जो फाड़ फोड़ दिए और जो चौकी भी जो भी करा बोल नहीं पा रही थी, तो ये जब इनने जब चिल्लाने की कोशिश की तो इसके मट्टी तेल डाल के सद्दाम और कालिया ने आग लगा दी। जब आग लगाने के बाद ये चिल्ला के जो भाजी है तब हमने जाने तो हम पहले भाजे, जब हमने आग नहीं बुझाई पाए तो पड़ोस में एक मोमिन लाते भैया बूढ़े बड़े हैं, फिर उसने जो आग बुझाई है तो उनके यहाँ का सब जले। अच्छा, आज तक आपका मुकदमा आज कितनी तारीख हो गई है? आज तारीख दो है। आज तक आपका मुकदमा लिखा नहीं? हमारा मुकदमा नहीं लिखा, जब हम सवेरे थाने में वन गए तो हमसे ये कहे कि पैसे ले लो तुम और अपनी लड़की का इलाज कराइए और खुला कर लीजिए, अब नहीं अगर करोगे तो आप जेल चली जाएगी, तेरा बच्चे ने बयान कर दिए बच्चे को, बच्चा 8 साल का मेरा बच्चा है, तो बच्चे से बयान ले लिए, बच्चे धमकाए के समझाए के कैसे उससे बयान ले लिए, वो तो सोए रहा उससे कुछ भी पता नहीं है कि उनने कहा भैया कहाँ है भैया, जब भड़बड़ कटी है तब वो उठा और हम जो घर है इसके बारे जिला की हमारी बकरियाँ करी आए, हमने कल्ला तुम बकरियाँ करी हम अस्पताल में परे आज कहीं भी नहीं गए, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जाकर पैसे ले लो सुधा कर लिया लोगों ने बुलाई।